नमस्कार दोस्तों। मलंग का पलंग तोड़ रिव्यू लेकर आ गए हैं जज साहब। बताना पड़ेगा, खड़े हो जाओ सारे के सारे, चलो। आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी, अनिल कपूर, कुणाल खेमू, डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी, भट्ट कैंप का ही छोकरा है। प्रोड्यूस्ड बाय टी सीरीज, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और लव रंजन भी हैं इस बार साथ। तो क्या बनी है बात? इट्स अ वेरी डार्क फिल्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय डार्क फिल्म आई मीन जो कोरियन फिल्में देखते हैं वो ये वर्ड समझ जाएंगे। सिनेरियो डार्क होता है बिकॉज ये फिल्म एक रात की कहानी है और ज़्यादातर अंधेरे की शूटिंग की गई है और नेचुरल जो हॉलीवुड या कोरियन है चाइनीज फिल्में होती हैं जो वो टेक्निक अपनाते हैं वही इसमें अपनाई गई है। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस विच विल गो वेल विद मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, बट भैया हमारा जो सिंगल स्क्रीन वाले लोग हैं वो कहेंगे का साला अंधेरा में बैठा दिया है, काहे को खर्चा किया साला, इसे बढ़िया तो साला देखाते नौटंकी, हमरे मिश्रा की लौंडी नाच रही है सुना हूँ मैं, ऐसा ही पैसा किया खराब। तो भैया समझ रहे हैं ना आप, फर्स्ट ऑफ ऑल द फिल्म हैज वेरी वीक एक्टर्स। कुणाल खेमू को कितनी एक्टिंग आती है आप जानते हैं, पर इसमें अपनी उम्मीद से अच्छी कर गया फॉर अ चेंज। अनिल कपूर को ओवर एक्टिंग करने का मौका दे दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज लेंथी रोल, नॉर्मली लिमिट में रहते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, कॉमेडी तो मास्टर हैं बट सीरियस और नेगेटिव रोल में भी इम्पैक्ट ले आते हैं, बट इसमें थोड़ा ओवर कर गया। आदित्य रॉय कपूर है एज यू ऑल नो, फितूर देख रखी है जिन्होंने, कितनी एक्टिंग आती है उन्हें। एंड दिशा पटानी, उनको तो भैया पिकनी डालने और स्मूच देने के अलावा तीसरा काम नहीं आता। तो फिल्म तो है बहुत ऑर्डिनरी। मोहित सूरी ने गोवा का इम्पैक्ट डाला जैसे उनकी पिछली फिल्म थी एक विलेन बैठा है चमचा, उनका एक विलेन में था, या उससे पहले एक मुसाफिर आई थी बाबा की फिल्म जिसमें गोवा को जिस तरह दिखाया गया था, कॉप्स दिखाए गए थे, ड्रग्स दिखाए गए थे, अंडरवर्ल्ड दिखाया गया था, किलिंग्स दिखाई गई थी, वही सब इसमें है। बट इसमें बहुत कुछ थोड़ा व्हाट कह रहा है इसे, जैसे फास्ट पेसी स्टफ होता ना, बिकॉज इट भट्ट का तो एक स्टाइल है भैया की, वो ये भट्ट की फिल्म नहीं, मैं महेश ये क्या नाम है इस बुद्धू का, सूरी जो भी है इसकी वजह से कह रहा हूँ, उनका चेला है मोहित सूरी, तो थोड़ा इम्पैक्ट महेश भट्ट साहब का है। तो कोरियन फिल्में लिफ्ट करके पांच छह जोड़ दी हैं, एक्शन सीक्वेंसेस वहीं से डाला है, एक्शन वहीं से डाला है, नाइट जिस तरह सिनेमाटोग्राफी करी गई है, लोकेशंस को जिस तरह रियल रखने की कोशिश की गई है, सब वहीं से लिफ्ट किया गया है। धाक की एक बात करते हैं भैया, फिल्म देखें या ना देखें, देखो भैया जिनको तो कोरियन फिल्में पसंद हैं, थ्रिलर्स पसंद हैं, दो घंटे सवा दो घंटे की, दो घंटे पंद्रह मिनट की फिल्म है, जिनको फास्ट 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 सब हो रहा है और एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना वो तो चले जाएं, बट अगर आपने बेसिक पॉइंट्स ढूंढने हैं तो एक्टिंग तो इनमें से भैया माशाल्लाह ही करने वाले लोग हैं, करवाने वाले भी माशाल्लाह हैं। दो स्टार देता हूँ मैं रेटिंग और 80 से 100 करोड़ का बिजनेस से फिल्म कर जाएगी। के आर के बाबू ने तो कहा है 50 करोड़ का करेगी, और उसने वो रिव्यू क्यों दिया है, ठंडा क्यों पड़ा है, क्योंकि पड़ा है डंडा। किसका डंडा? ब्रांड का डंडा। तो अगर इतने से आप संतुष्ट हो गए हैं तो हम यहीं ख़त्म करते हैं मलंग का पलंग तोड़ रिव्यू, बट अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो बताइए मुझे भैया, के आर के दूसरे रिव्यू का भी रिव्यू कर डालते। वैसे बहुत कुछ मैंने बता दिया था अपने पिछले रिव्यू में, काहे काहे को इतना ड्रामा किया है उन्हें, और
काहे वो दूसरे रिव्यू में ठंडा रहा, ठंडे बस्ते की तरह पिछला 8.5 मिनट अब 5 मिनट में ही सपाचट हो लिया, क्योंकि उसको पता है उसका बाप ब्राइंड सुपरस्टार ग्राइंड बात करने वाला जज साहब, राजाओं में राजा क्रिटिक बैठा है उसका पतलून उतारने के लिए। तो भैया मलंग देखने तब जाना अगर पलंग में पड़ी हुई दिशा पटानी बहुत पसंद है। भैया उका एंट्री सीन बिकनी में बहुत धांसू है। उका तुम रिकॉर्डिंग तो देख लिया होगा साला नटखट लोगों ने, पर वो थिएटर में जो मजा आता है ना भैया, बहुत तल खोलने का मूड हो जाता है। सिंगल स्क्रीन में जाकर देखो, जहाँ जरा आपके अंदर बोतल डाल के ले जाने देते हैं। यूपी बिहार में तो खुल्ला चलता है, कुछ बड़े शहरों में भी चलता है। क्या करें भैया, जो बेचारे सिंगल स्क्रीन में ड्यूटी दे रहे हैं गार्ड या टिकट कलेक्टर, उनका भी तो मन करता है पैसा बनाने का। जोरू को तो भैया सबको खुश रखना पड़ता है ना भैया। तो कैसा लगा मलंग का पलंग तोड़ रिव्यू, और के आर के का भैया और जलूस बनाए या नहीं, जल्दी बताओ। चाइनीज माल ले आया है खंबा, सामने नाच रही है रंभा, दुआओं में याद रखना। और जज साहब अगर मजाक के मूड में हो तो तुमने मजाक नहीं करना, खड़े होकर ही देखा है ना रिव्यू। अब हम चलता हूं, तुम लोग भी बैठ सकते हो, दुआओं में याद।